पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो कातिल कितना भी सातिर क्यों ना हो पकड़ा ही जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें अगर किसी आम आदमी के साथ ऐसी घटना हुई होती तो पुलिस शायद महीनों लगा देती उस केस पर, लेकिन वही एक पॉलिटिशियन या बड़े अधिकारी के साथ घटना होती है तो पूरी पुलिस फोर्स उसे हल करने में लग जाती है और जल्द ही उसका खुलासा भी कर देती है, जैसा कि पुलिस ने इस केस पर किया। मात्र 72 घंटों के अंदर ही पुलिस ने कातिलों को ढूंढकर जेल भेज दिया और ढेरों वाहवाहियां लूटी। नमस्कार दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित इंदिरा नगर की है, जहां पर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की पत्नी का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उसे वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। वह कत्ल किसने किया पुलिस के लिए यह केस रुई के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। कातिल इतना सातिर था कि उसने पुलिस के लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन यह मामला एक आईएएस अधिकारी से जुड़ा हुआ था, वो भी प्रदेश की राजधानी में। पुलिस ने सभी सोर्सेस को एक्टिवेट करके सिर्फ 72 घंटों में ही कातिलों को पकड़ लिया। काश पुलिस आम आदमी के लिए भी इसी तरह काम करे तो दिन पर दिन बढ़ते क्राइम के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति क्राइम करने से पहले कम से कम 10 बार तो जरूर सोचेगा। पढ़ते हैं घटना की तरफ। इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले देवेंद्र नाथ रोज की तरह सुबह उठकर लगभग 7 बजे घर से बाहर निकलकर अपने ड्राइवर के साथ गोल्फ खेलने के लिए निकल जाते हैं। गोल्फ खेलकर जब वह घर वापस आते हैं तो वह अपने मकान की बेल बजाते हैं, कोई दरवाजा खोलने नहीं आता तो वह कुछ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रोज तो बेल बजाते ही उनकी पत्नी दरवाजा खोलने आती थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुला हुआ था। वह अपनी पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर चले गए। उनकी पत्नी का नाम मोहनी था। वह उसे आवाज देते हुए किचन से होते हुए जब वह ड्राइंग रूम तक पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर उनकी लगभग 58 साल की पत्नी मोहनी की लाश पड़ी होती है, जिसके चारों तरफ खून फैला हुआ होता है और उसके गले में एक दुपट्टा फंसा हुआ था। घर पर का सभी सामान इधर उधर फैला हुआ था, अलमारी खुली हुई थी और उससे कीमती सामान गायब है। यह देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि घर में लूटपाट हुई है, जिसके विरोध में उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। अपनी पत्नी की लाश देखकर देवेंद्र नाथ जोर जोर से रोने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर उनका ड्राइवर रवि दौड़कर उनके पास आता है तो देखता है कि मालकिन का शव जमीन पर पड़ा हुआ है और मालिक जोर जोर से रो रहे हैं। फिर ड्राइवर 112 पर कॉल करके पुलिस को सारी घटना बताता है। पुलिस घटना को सुनकर तुरंत एक्शन में आती है। पुलिस से सभी बड़े अधिकारी तुरंत ही घटना की जगह पर पहुंच जाते हैं। पुलिस की कई टीमें भी वहां आ जाती हैं, क्योंकि यह किसी आम आदमी का नहीं बल्कि एक आईएएस अधिकारी का मामला था और लखनऊ जैसे शहर में ऐसा क्राइम हुआ था। पुलिस की सभी टीमें जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। वह देखती हैं कि कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, अलमारी से जेवर भी गायब है, लेकिन मोहनी दुबे ने जो जेवर पहन रखे थे उन्हें किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। वह चाहे अंगूठी हो, गले की चैन हो, मंगलसूत्र हो, हाथ के कड़े इत्यादि जैसे के तैसे ही थे, जबकि उनका बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। हत्या में किसी धारदार हथियार का प्रयोग किया गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तसल्ली के लिए कातिल ने दुपट्टे से उनका गला भी दबाया था। खबर फैलते ही मीडिया पहुंच जाती है और यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। पुलिस जब सभी तरह की जांच शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि मोहनी दुबे इनकी दूसरी पत्नी है। इनकी पहली पत्नी का नाम मीना था, जिनसे इनके 2 बेटे थे। मीना की 2004 में ही मृत्यु हो जाने के बाद देवेंद्र नाथ ने एक सोशल वर्क करने वाली महिला
मोहनी दुबे से शादी कर ली थी, लेकिन अपने पिता की दूसरी शादी से उनके दोनों बेटे खुश नहीं थे। वो नोएडा में पिता से दूर रहते थे। पुलिस ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस से बात नहीं की, जिससे पुलिस को उनके बेटों पर शक होता है। मोहनी दुबे की कोई भी संतान नहीं थी। पुलिस ने जब घर के सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उसको बीबीआर भी गायब था, जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य है, जिसे सभी बातों की जानकारी है। पुलिस ने जब आसपास के घरों में लगे कैमरे की जांच की तो उन्हें पता चलता है कि जैसे ही देवेंद्र नाथ गोल्फ खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो उनके बाद दूध वाला आता है और दूध वाला दूध देकर चला जाता है। उसके जाने के बाद नीले रंग की स्कूटी पर सवार दो नकाबपोश व्यक्ति उनके घर के पास आते हैं और दरवाजा खुलवाकर अंदर जाते हैं, वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल जाते हैं। उनका चेहरा सही से दिख नहीं रहा था, इसलिए पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाती है। अब पुलिस के पास बस एक ही सुराग बचा था, वह नीले रंग की स्कूटी जिसका नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी, जिससे नंबर भी सही से दिखाई नहीं दे रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने तीन टीमों का गठन किया, जिसके करीब 40 पुलिसकर्मी लगाए। एक टीम स्कूटी ढूंढने में लगाई जाती है, दूसरी टीम सीसीटीवी कैमरों के जरिए जांच करती है और वारदात की जगह से 3 से 4 किलोमीटर के बाद स्कूटी पर बैठा एक शख्स अपना हेलमेट उतार देता है, जिससे पुलिस को उसका चेहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी पुलिस को सफलता नहीं मिलती। तब तक पहली टीम ने स्कूटी कंपनी से बात करके लगभग 1000 स्कूटी मालिकों के पते को निकालकर उनके घर घर जाकर पूछताछ की। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत होता है उस पर पुलिस को शक होता है, क्योंकि रंजीत के घर पर न होने से उसका भाई पुलिस को देखकर भागने लगता है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि उसने चोरी की थी, इसलिए वह भाग रहा था। उसके बाद जब रंजीत पुलिस के हाथ लगता है तो उसे पता चलता है कि वह वही व्यक्ति है जिसने अपना हेलमेट उतारा था। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वह अखिलेश यादव नाम के व्यक्ति का दोस्त है, जो आईएएस अधिकारी के यहाँ ड्राइवर का काम कर चुका था। पुलिस जब उसे ढूंढ कर लाती है तो उससे पूछताछ करती है, तब यह रहस्य से पर्दा उठ जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव का ही सगा भाई रवि यादव घटना वाले दिन आईएएस ऑफिसर को गोल्फ के लिए लेकर गया था। पुलिस से जब पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि कुछ दिनों पहले मालकिन को कहीं जाना था तो उन्होंने अपने सभी जेवरात अलमारी से निकालकर बेड पर रखे थे, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ गया था। उसने सोचा अगर वह यहाँ लूटपाट करके अपने ऊपर के कर्जे को उतार सकता है, क्योंकि उन जेवरों की कीमत लगभग 1 करोड़ थी। वह अपने दोस्त रंजीत से बात करके इस घटना को अंजाम देने का मन बना लेता है, जिसमें रंजीत और रवि उसका साथ देते हैं। दूध वाले के जाने के बाद दोनों आते हैं। मोहनी दुबे अखिलेश को देखकर दरवाजा खोल देती हैं, जिससे दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जब वह मालकिन के पैर छूकर उठते हैं तो पेचकस से उस पर हमला कर देते हैं और कई बार वार करते हैं, जिससे मोहनी दुबे की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह दुपट्टे से गला दबाकर उसे मार देते हैं। फिर वह अलमारी का सारा कैश और जेवर निकालते हैं। उसके बाद वह पुलिस को सबूत ना मिले सभी निशानों को मिटाते हैं, सभी की अच्छे तरह से धुलाई करते हैं। जब रवि ऑफिसर को लेकर घर पहुंचता है तो यह सब देखकर वह अखिलेश को फोन करता है। अखिलेश भी वहां आकर अपनी मालकिन के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाता है। वह हर समय उनके साथ ही था, इसीलिए पुलिस को उस पर शक नहीं होता है। अगर स्कूटी ना पकड़ी जाती तो शायद ही इस घटना का खुलासा इतनी जल्दी हो पाता। दोस्तों, यह घटना आपको सुनाने का मकसद सिर्फ
आपको जागरूक करना है, क्योंकि कातिल तो कोई भी हो सकता है, वह किसी भी रूप में होता है। आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। शायद आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।